समारोह की, जैसे कि हमने अपने प्रिय बाबूजी की स्मृति में आयोजित किया है, उसका प्रथम दिवस है आज और हम इस नाट्य समारोह का विधिवत उद्घाटन करना चाहेंगे आपके आदेश से। हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे बीच में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन की सचिव और निदेशक श्रीमती रीता सिन्हा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आकर दीप सजाकर इस नाट्य समारोह का विधिवत उद्घाटन करें और हमको अपने आशीर्वचन से भी लाभान्वित करें। श्री संगम बहुगुणा जी, यहाँ सभी उपस्थित सज्जनों एवं देवी, रंगमंच पर खास परिहास का प्रदर्शन खासा कठिन काम है। पांचवे हरदयाल वास्तव स्मृति नाट्य समारोह के आयोजन के लिए मैं आयोजित संस्था मंच प्रति को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिन्होंने बाबूजी की हास्य के प्रति विशेष लगाव के कारण हास्य नाटकों के मंचन की एक नवीन परंपरा की नींव डाली। 17 वर्ष की आयु में नाटकों से जुड़ने के पश्चात 82 वर्ष की वृद्धायु में अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक मंच पर सक्रिय स्वर्गीय बाबू हरदयाल वास्तव जी का नाट्य जगत के प्रति समर्पित भाव, उनकी श्रम, उनकी निष्ठा, लगन व सक्रियता ही इस नाट्य समारोह के आयोजन की प्रेरणा स्रोत है। मंच प्रति द्वारा ये आयोजन वर्ष 1991 से प्रति वर्ष किया जा रहा है, जिसमें केवल हास्य नाटकों के प्रदर्शन की ही व्यवस्था है। इस आयोजन में मंच प्रति के अतिरिक्त नगर की अन्य प्रमुख तथा सक्रिय नाट्य संस्थाएं दर्पण, इप्टा, जायावर, कदम्बरी, भारतीय, गाथाचल, नटयोग जो इसमें भाग ले रहे हैं को भी मैं बधाई देती हूँ। समारोह की सफलता के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं देती हूँ। मैं हंसना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि वर्षों से अमीर इसे जायदाद की तरह खरीदते आ रहे हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा के दरबारों में विदूषक हुआ करते थे, जिनका एकमात्र कार्य मनोरंजन करना था, लेकिन गरीबों के पास इस प्रकार के साधन उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने हंसने की कला पर सहज महारत पा ली। चुटकुला कहना एक कला है, पर उसे समझना भी कोई कम कला नहीं। अगर चुटकुला सही तरीके से नहीं कहा गया तो वह उतना ही बेस्वाद होता है जितना फीका सूता, और यदि सुनने वाले ने चुटकुले को नहीं सहारा तो वे सुनाने वाले के पास पिंग पोंग गेंद की तरह पलट कर गिरता है। कितना हंसे हंसा जाए ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत अधिक हंसना या बहुत कम हंसना दोनों ही मूर्खता के प्रतीक माने गए हैं। यदि मोना लीजा मुस्कुराने के स्थान पर खुलकर हंसती हुई चित्रित की जाती तो शायद उसका प्रभाव वह नहीं होता जो आज है। आज तक संसार चकित है उस मुस्कान के पीछे राज क्या है, लेकिन आजकल डॉक्टर यही कहते हैं कि वास्तव में खुलकर हंसने से ही स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। तो आइए आज और ये जो 5 अगले दिन है, इस समारोह में हम लोग सब मिलकर खुलकर हंसे
और अपना स्वास्थ्य का लाभ बढ़ाएं। धन्यवाद। श्रीमती रीता सिन्हा जी का, आप सभी दर्शकों का और हमारे प्रेस से आए प्रतिनिधियों का, लखनऊ के तमाम रंगकर्मियों का, अपने तमाम वरिष्ठ रंगकर्मी जो हमारे बीच उपस्थित हैं उनका, इस समारोह में भाग लेने के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए कुछ ही क्षणों में आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहेंगे आज प्रथम दिवस पर आयोजक संस्था मंच कृति का हास्य नाटक सब गड़बड़ है, मूल मराठी लेखक श्रीनिवास भणगे, हिंदी अनुवाद श्रीमती माधुरी गुप्ता, निर्देशक संगम बहुगुण। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, आज या कल हमें करना यही पड़ेगा, इसके सिवा हमारे पास अब कोई चारा नहीं। अरे आज या कल जब हमें यही करना है तो फिर तुम्हारे जैसे तो उसका क्या फायदा, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, इतने बड़े साइकेट्रिस्ट हो, आखिर किस लिए लिए तुमने डिग्री? देखो दो, उनका पागलपन इस हद तक। अरे तो क्या मैं उन्हें पागल खाने में भेज दूं? अरे इतना बताने के लिए तुम जैसे पढ़े लिखे और डिग्री लिए हुए साइकेट्रिस्ट की क्या जरूरत है? ये बात तो रास्ते में खड़ा हुआ एक बच्चा भी आसानी से बता सकता है। ठीक है ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो मैं तुम्हें हजार बार बता चुका हूँ। देखो मेरे सोने जैसे प्यारे चार बच्चे हैं, अब वो हैं थोड़े पागल, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पागल खाने में भेज दूं। नहीं भीमराव, ने ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा और वो भी मेरे घर पर। मेरे चारों बच्चों का दिमाग ठिकाने पर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और वो भी बिना अस्पताल भेजे। देखो तो मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी बार, ऐसा मुझसे हरगिज नहीं होगा। मेरी बात तो सब, मैं इतना सीरियसली बात कर रहा हूँ और तुम उनकी पेपर खींच के बैठ गए। धन्य, अगर तुमसे ये सब नहीं हो सकता तो जला दो अपनी डिग्री। हाँ भाई, जला दूंगा जला दूंगा, अब घर जाकर सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। लेकिन उदो तुम्हें उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही पड़ेगा। खैर अब मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। ये क्या भाई साहब, चल दिए, चाय वगैरह नहीं पिएंगे? रहने दीजिए भाभी जी, आज नहीं फिर कभी आऊंगा तब पीऊंगा चाय। हाँ और उधो देखो मैं चलता हूँ, मेरी बात का बुरा, यार मेरी बात का बुरा मत मानो। अच्छा नमस्ते जी। ये हमारे मित्र हैं, अंतरंग मित्र, क्लोज फ्रेंड, अरे जरूरत पड़ जाए तो मेरा गला तक दबा देंगे। एक एक जरा सा काम है जरा सा, और ये है कि एक ही बात की रट लगाए हुए। वो करे भी क्या, हालत ही ऐसी। मुझे हालत के बारे में तुम बताओ, मैं इतना सीरियसली बात कर रहा था और ये जनाब ये पेपर लेके बैठे अखबार। और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो पेपर में ऐसे ऐसे आंखें कराया हुआ था, ऐसे जैसे अपनी शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ रहा हो। क्या हुआ, एकदम चुप क्यों हो गए? मैं पूछती हूँ ऐसा क्या लिखा है अखबार में, मिलिट्री की न्यूज है क्या? अरे मेरी मिलिट्री, ये एडवर्टीजमेंट देखो, अपनी सहायता के लिए परमेश्वर किस तरीके से आ जाएंगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कौन परमेश्वर? प्रोफेसर मार्टिन फूंग-थान थान। क्या फूंग फा फा? अरे फूंग फा फा नहीं, प्रोफेसर मार्टिन फूंग-थान थान। क्या मुसीबत है, इसका नाम सुनकर तो ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे बर्तन लुढ़क कर गिर रहे हो। धन 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 धन। अरे धन 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 धन, इधर सुनो आगे देखो, लिखा है किसी भी तरह के पागलपन से आप निराश न हो, विलायत रिटर्न प्रोफेसर मार्टिन फूंग-थान थान आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, किसी भी तरह के पागलपन से छुटकारा दिला सकते हैं, मिलिए या फोन पर संपर्क। बुलाइए ना उस मेजर को, फा फा को। अरे वो मेजर नहीं प्रोफेसर है, और फूंग फा फा नहीं, प्रोफेसर मार्टिन फूंग-थान थान। हाँ हाँ वही, बुलाइए। यस यू आर राइट। हेलो जी, मैं उद्धारा एनापुरे बोल रहा हूँ। अरे अधूरे नहीं एनापुरे। कौन प्रोफेसर साहब आप? जी हाँ, मैं आप ही से बात करना चाह रहा था। जी जी, आज आपका एडवर्टीजमेंट पढ़ा। जी हाँ, हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, एक नहीं पूरे चार। जी क्या? अरे नहीं, फीस की आप परवाह मत कीजिए। जी हाँ,
आपके पास कोई काम नहीं है, फौरन आ सकता हूँ। अरे तो प्लीज जल्दी आइए ना जी। एड्रेस एड्रेस नोट कीजिए, उद्धव आओ एनापुरे, उद्धव उद्धव, अरे ऊपर उल्लू नहीं नहीं मैं नाम बता रहा हूँ, उद्धव राव जी, उद्धव राव एनापुरे, स्मृति भवन, चौथी गली, निषादगंज। हाँ प्रोफेसर साहब जरा सा वो संभल के आइएगा, अब मेन हॉल खुले हुए हैं जी, थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है वहां पर जी। हाँ जी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ जी। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? अरे उन्होंने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है, फौरन आ रहा हूँ, बस आते ही होंगे। तो क्या करेंगे क्या जी? अरे अगर ये मुझे ही पता होता तो मैं ही ना प्रोफेसर मार्टिन को ठान ठान बन जाता। मेरा मतलब बच्चों को शॉक वॉक तो नहीं देंगे? देखो भाई वैसे तो वो देंगे नहीं, और अगर देने की बात कहेंगे तो मैं तो हाँ कह दूंगा, मैं तो कहूंगा दे खुशी से दे, 440 के 840 दे तो भी चलेगा। 440 840 नहीं चलेगा, अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत की है मैंने उनकी, अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत की है मैंने उनकी। अरे तभी तो मेरे जान देने की नौबत आ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं हर तरीके के उपाय करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगी। तो ठीक है मैं ही दो चार शॉक ले लूंगा बस। खबरदार तुम शॉक की बात की हो। ओ क्यों कमांडर जनरल हो जाती हूँ, बस एक ही बार तो शॉक लेने की बात है, उसके बाद तो आह आह अंधेरा, खूब अंधेरा, भयंकर अंधेरा, घनघोर। अपने ही बच्चों के लिए तुम्हारे मुंह से ये शब्द? अरे तुम्हारे इसी मोह के चक्कर में पड़कर आज तक मैं कोई उपाय नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब ये सब असह हो गया है। अरे मेरे ही पागल होने की नौबत आ गई है। एक 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 वो है वो अध्यात्म, और दूसरे वो जेम्स बॉन्ड है, और तीसरे वो सिनेमा, और चौथी वो है वो कुत्ते। अरे ये भी कोई विषय है पागलपन क्या? हमारे बचपन के समय में पागलपन भी बड़े मोहक तरीके के होते थे। हमारी एक मौसी थी, उन्हें जब करने का पागलपन था, जिंदगी भर जब करती रही बेचारी, और जब मर गई तो पता चला जब करने के बहाने गालियां फुटफुटाती हैं। लेकिन लेकिन उनसे किसी को नुकसान तो नहीं होना। वैसे ही हमारे चाचा जी थे, उन्हें जिंदगी भर सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने का पागलपन था। जिंदगी भर बेचारे सीढ़ियों पर चढ़ते रहे उतरते रहे, चढ़ते रहे उतरते रहे, और जब मरने लगे तो बोले बेटा एक बार मुझे सीढ़ियों पे चढ़ा के तो उतरवाला। बस उनसे लोगों को इतना ही कष्ट हुआ, और ये मेरी औलादे माता मां देवी तो भगवान भजनी पीछे है और तंग आ गया हूं मैं। अब वो प्रोफेसर मार्टिन को ठान ठान आएगा ना, वही करेगा कुछ। बस सुनो तुम अंदर जाओ, वरना तुम तो अपने रुपये में व्यापार में जाते हो। चलो 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 जा रही हूँ अंदर। तुम्हारे मन में जो आए सो करो। हेलो 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 ओह 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 मिस्टर वो नहीं उद्धव उद्धव राव। ओ उद्धव राव हाउ आर यू मिस्टर राव? फाइन फाइन। यू आर सन ऑफ नरसिम्हा राव? नहीं नहीं उद्धव राव उद्धव राव उद्धव राव। ब्लैक यू ब्लैक यू। आप बैठिए मैं अभी एक मिनट में आता हूँ। ओके माचिस मिलेगा? अरे पाइप पीते हो माचिस भी नहीं रखते? रखता हूँ भाई रखता हूँ। दरअसल अभी एक जेंटलमैन मेरे को बाहर मिला, वो बीड़ी पी रहा था, उसने मुझसे माचिस मांगा, मैंने उसको अपना माचिस दे दिया, उसने वो माचिस परमानेंटली अपने पास रख लिया। अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे किसान योर सर्वेंट? हाँ मेरा सर्वेंट। ऑलराइट ऑलराइट। अरे किसान योर सर्वेंट? हाँ मेरा सर्वेंट। ओके ओके। अरे किसान योर सर्वेंट? हाँ मेरा सर्वेंट। सुनो वो साहब को अंदर से माचिस लाके दो। ओह थैंक यू माचिस तुम्हारी जेब में? रखता है रखता है। दरअसल अभी यही जेंटलमैन मेरे को बाहर बैठा। ओह अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करो और तुम अंदर जाओ लाइए ना माचिस। अरे वो बांध में ले लेना लेना माचिस। थैंक यू। तो वो ऐसा था प्रोफेसर 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 मार्टिन थान थान। जी हाँ थान थान साहब।
दरअसल ये नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। अभी मैंने आपको अपना नाम बताया ना। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले भी सुना हुआ है, शायद वो यूएनओ में। यू आर टोटली राइट, यूएनओ में मेरी मौसी के जीजा का लड़का रहता है। यू थॉट तो ऐसा था प्रोफेसर साहब कि दरअसल मेरे चार बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, एक लड़की और तीन लड़के। इन चारों को किसी ना किसी तरीके का पागलपन है। अब मेरा मतलब जबरदस्त पागलपन है। फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किस लिए? पूरी बात मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बताइए। हमारे सबसे बड़े बेटे का नाम है ईश्वर चंद, लेकिन उन्हें ईश्वर चंद कहलाना पसंद नहीं। वो अपने आप को वो ईश्वरीश कहते हैं। उनको वो साधु महात्मा का पागलपन है। हर समय भस्म, साधु, महात्मा, जप, तप, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। जी, उनका नाम है मधुकर, लेकिन उन्हें मधुकर कहलाना पसंद नहीं। अपने आप को वो मधु किमेर ऐसा कहते हैं। उन्हें फिल्मों का पागलपन, हर समय ड्रामा, शॉर्ट्स वाला हीरो, वाला हीरोइन के अलावा कोई बात नहीं करते। हिंदी तक ठीक से नहीं बोल पाते। जी, उनका नाम है जवाहर। अब आप ही बताइए, क्या बुराई है इस नाम में? नहीं नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं है। वैसे प्रोफेसर मार्टिन फूथान थान जितना अच्छा तो नहीं। अच्छी जी, फिर भी अच्छा है। अच्छा है जी। हाँ, उन्होंने अपना नाम रख लिया है जेम्स बॉन्ड, और हमेशा जेब में रखते हैं पिस्टल। व्हाट? हाँ, जेम्स बॉन्ड है ना, बिना गोली बंदूक के तो बात ही नहीं करते। ओ, व्हाट अबाउट जी, आई मीन कन्या, कन्या? जी हाँ, उसका नाम है मनीषा। जी हाँ, मनीषा। उसे वो कुत्ते पालने का पागलपन है। मनीषा कोइराला। अरे, उसे कुत्ते पालने का पागलपन है। यू मीन जी हाँ, वो अब आप ये समझ लीजिए, हमारा घर एक डॉग शो बन गया है। वो तो कहिए कि मैंने सब ताकीद कर दी है कि कुत्ते इस ड्राइंग रूम में ना दिखाई दे, वरना अभी चार छह कुत्ते आते और आपको काट के चले जाते। क्या हुआ? कोई और भी पागल आपके घर पर? नहीं नहीं, फिलहाल तो इतना ही है। वैसे हमारा एक नौकर है किशन, उसे वो पुलिस बनने का पागलपन है, लेकिन उससे हमें कोई खास परेशानी नहीं होती। थोड़ा डांट डपट देता हूँ तो चुप हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट अबाउट यू जी? नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन हमारे घर की यही हालत रही ना, तो एक दिन मैं भी आपका पेशेंट बन जाऊंगा। ओह, डोंट वरी डोंट वरी, मैं हूं ना आपका इलाज करने के लिए। आपकी पत्नी जी? वाइफ, वाइफ। हाँ जी, ठीक किया जो उसके बारे में पूछ लिया। वैसे तो उसे किसी तरीके का पागलपन नहीं है, लेकिन उसे मिलिट्री में जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन वो देश के बड़े बड़े नेताओं और मिलिट्री के वरिष्ठ अधिकारियों को बात कुछ जची नहीं, इसलिए बात यहीं आई गई हो गई। लेकिन इसका मुझे जरूर फायदा होगा। आपको क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि हमारी ये औलादें वैसे तो किसी की सुनते नहीं, मतलब जरा सा भी नहीं सुनते, लेकिन उसकी एक आवाज में झंड से खड़े हो जाते हैं। मतलब प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट, बैक मतलब बैक, उठ मतलब उठ वगैरह। ऑलराइट ऑलराइट, बैक मतलब बैक, उठ मतलब उठ। मुझे अब आपके घर की सारी डायरेक्टरी समझ में आ गई। अब आप ये बताइए कि आपने अपने बच्चों को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय किए? अरे, वैसे तो मैंने अपने डॉक्टर मित्र को बहुत समझाया, पर वो कहता है इन सबको ले जाके पागल खाने में भर्ती करा दो। मैड, यू आर डॉक्टर फ्रेंड। पागल खाना एकदम बेकार, बोगस। वहां जा करके तो पागल आदमी और भी पागल हो जाता है। हाँ, आपने कल का अखबार पढ़ा? नहीं तो। कल के अखबार में निकला है कि एक पागल खाने की दीवार गिर गई थी। सारे पागल भाग गए, सारे पागल भाग गए। भाग करके चारों तरफ फैल गए। अब तो पागलों को पहचानना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारे घर के पागलों का क्या होगा? यू डोंट वरी, मैं हूं ना आपके घर के पागलों का इलाज करने के लिए। आप ऐसा करिए, एक एक को यहाँ बुलाते जाइए, मैं देखता हूँ। ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, उन्हें क्यों बुला रहे हैं? उनका कोई केस थोड़ी ना है। नहीं नहीं, उनको तो मदद के लिए बुला रहा हूँ। यू मीन फॉर हेल्प? जी हाँ, फॉर हेल्प। ओके ओके। अरे लक्ष्मी, जल्दी आओ। आ रही है। ऑल राइट ऑल राइट। अरे, वो जरा ईश्वरीश को बुलाना तो सही। ये प्रोफेसर? अरे, उससे डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, तो बुलाओ तो सही। ईश्वरा, ईश्वरा, ईश्वरीश आया। मातेश्वरी आ रहा है। मातेश्वरी, आपने
हमें याद किया? डॉक्टर साहब ने याद किया? हाँ, हमने याद किया है, लेकिन आप इस सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अभी चाहिए, मुझे उससे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। मिस्टर एना प्रिय, इसी चलो हम लोग अंदर चलते हैं, एक को बात करते हैं। माटेश्वरी क्रोधायमान हो गई लगता है। प्रोफेसर साहब, हमें एकांत देने का कारण? ईश्वरी, अगर हम आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब देंगे? अवश्य अवश्य, हमसे मुलाकात करने तो आजकल कोई आता ही नहीं। अस्तु, आप भगवान भजनीश के बारे में जानते हैं? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। आपकी अज्ञानता पर हमें बहुत खेद है श्रीमान। क्षमा करिएगा, आपका नाम कुछ याद नहीं आ रहा। प्रोफेसर मार्टिन फूंक थार थार। बहुत मुश्किल है याद रखना। मैं आपको स्वामी मार्टिनीश बुलाऊं तो कैसा रहेगा? हाँ, आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स दूंगा। आप परमेश्वर हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। हाँ, परमेश्वर बनने का मेरा एक बार विचार बना था, लेकिन बाद में मैंने ये विचार क्या क्यों त्याग किया? मैंने देखा कि आजकल के नेता लोग इस परमेश्वर पे बड़े अचरज डाल रहे हैं। ये तो सिर्फ भगवान भजनीश के लिए ही संभव है। उन्हीं भगवान भजनीश का मैं शिष्य हूं। इधर कुछ दिनों से ये संख्या काफी बढ़ गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ स्वामी मार्टिनीश कि आप भी उसमें शामिल हो जाइए। अवश्य अवश्य ईश्वरीश, अगर आपकी यही कंडीशन रही तो ये लगता है अवश्य शामिल होना पड़ेगा। आपकी उम्र कितनी होगी? ऐसी सांसारिक बातों पर ध्यान नहीं देते। वैसे हमारी जन्मपत्री के अनुसार हमारा जन्म 30 वर्ष पूर्व हुआ, परंतु हमारी निश्चित जन्मतिथि पर मतभेद है। अप्पा जी मिराजदार कहते हैं कि मैंने श्रावण में अवतार लिया, और मातेश्वरी कहती है कि मैंने वैशाख में जन्म लिया। अतः हम अपना बर्थडे वर्ष में दो बार मनाते हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, आप माता उमा देवी को तो जानते होंगे? हाँ, वही जो फिल्मों में गाने गाती है, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, भूमि भरती प्यार तेरे इंतजार। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी मार्टिनीश? क्या हुआ? माता उमा देवी यदि सिनेमा का पोस्टर देख ले तो 3 बार गौमूत्र से स्नान करती है, उसके बाद 1 बार पानी से। क्या हुआ? बड़ा दुख हुआ। किस बात से? ये जान करके कि आपकी माता उमा देवी को बार बार गौमूत्र से बात लेना पड़ता है। नहीं स्वामी मार्टिनीश, माता उमा देवी तो सदैव ध्यानमग्न रहती है, तब हम लोग जानबूझकर 15-20 दिन के पश्चात उन्हें फिल्म का पोस्टर दिखाते हैं। अस्तु, हम किस विषय पर बात कर रहे थे स्वामी मार्टिनीश? उमा देवी। हाँ हाँ, उमा देवी। क्या तेज है उनके चेहरे पर, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते स्वामी मार्टिनीश, कि जरा सा स्पर्श हो जाए तो ऐसा झटका लगता है कि बस। झटका? हाँ, वो आपकी भाषा में क्या कहते हैं, शॉक। आपको लगा कभी? जी नहीं, मैं जरा सावधानी बरतता हूँ। इट मींस आपके भगवान भजनीश शॉक प्रूफ होंगे। आप तो अंतर्ज्ञानी हैं स्वामी मार्टिनीश। थैंक यू। हमारे भगवान भजनीश वाकई शॉक प्रूफ है, अन्यथा अतिंद्रिय रास क्रीड़ा करते समय उन्हें माता उमा देवी का स्पर्श करना ही पड़ता है। आप लोग रास क्रीड़ा भी करते हैं? जी हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन माता उमा देवी और भगवान भजनीश के साथ हम सब शिष्यगण रास क्रीड़ा करते हैं। श्री कृष्ण जन्म के पश्चात माता उमा देवी और भगवान भजनीश अंदर के कमरे में साधना करने जाते हैं, और हम सब शिष्यगण प्रसाद का सेवन करते हैं। साइकिल के टायर के फटने की आवाज नहीं थी, फिर हमारे छोटे बंधु जवाहरीश ने की थी वो आवाज। यू मीन जेम्स बॉन्ड? हाँ, ऐसा अपवित्र नाम धारण करके घूमते रहते हैं वे। आइए स्वामी मार्टिनीश, हम लोग बाहर कुंज में चलते हैं। चलिए आइए आइए स्वामी मार्टिनीश। Thank you.
क्या कर रहे हो? बोलते क्या नहीं? चुप क्यों हो? तूने मेरा मुंह को रोको, बोलो कैसे? नहीं साहब, ये दिखाओ भी, कहीं कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं छुपाया? बता दो। ये बम क्या था? ये बम? ये बम थोड़ी ना, ये तो दूध कोको और माल्ट का मिक्सचर है, स्वादिष्ट है। कंटेंट नहीं पूछे मैंने, खाने का या फेंक के मारने का? स्वादिष्ट है तो खाने के लिए होगा, चिक्कल फेंक के मारा चलेगा। अच्छा है। थैंक यू, हाथ नीचे कर लो। नहीं, मुझे पहचानते हो क्या कहते हैं? हाँ ब्रो बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड कहते हैं मुझे। हाथ नीचे कर लो। हेलो, बैठ जाओ। और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? कि वो यहाँ यहाँ तो क्या करने आए हो? आपके पिताजी ने बुलाया था। मेरे पिताजी ने? हाँ। वो किस लिए? जी वो आप लोगों से पर्चे कराने के लिए। मेरा पर्चे? हाँ। वो किस लिए? मुझे लगता है आपके पिताजी का दिमाग खराब है। यू आर राइट। मिस्टर तुम्हारा नाम क्या है? प्रोफेसर मार्टिन फू थान 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 थान। ओह, बड़ा टेढ़ा नाम है, ठीक से उच्चारण करना होगा। मैं तुम्हें एम कह कर पुकारो तो चलेगा? आप मुझे जेड भी एम कह कर पुकारो चलेगा? चलेगा। हाँ, तो आप ये बताइए कि मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे वो यू आर राइट। यू आर राइट। मेरे पिताजी का दिमाग ठिकाने में नहीं है, वो सभी को पागल समझते हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिए वो मुझे स्वीकार है। मिशन, एक बात ये बताइए, आप मुझसे मुलाकात क्यों करना चाहते हैं? जी वो आपसे शादी करने का विचार है। माफ करिएगा, शादी हम लौंडों से नहीं करते। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपसे शादी करवाने का विचार है उसकी लड़की से। मिस्टर हैरी, पूरा बात एक बार में बोलना सीखिए। सीखूंगा, सब भी सीखूंगा, लेकिन ये पिस्तौल जेब में रख लीजिए, बहुत पसीना आ रहा है। वो पसीना आना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ओके ओके, वो क्या है ना मिस्टर है, किसी नए आदमी से जान पहचान करनी हो तो सावधानी बरतनी ही चाहिए। अब ये बताइए, हाँ, अगर मैं आपसे कोई प्रश्न करूँ तो आप उसका जवाब देंगे? हाँ करिए। ये पिस्तौल, बंदूक, गोलीबारी, इसके अलावा भी किसी और चीज का शौक है आपको? हाँ है। किस चीज का? ब्यूटीफुल गर्ल। किसी ब्यूटीफुल गर्ल से शादी करेंगे? नो नो नो, नॉट एट ऑल। शादी करना रिस्की है पर पिस्टल रखना आसान। पिस्टल से गोली चलानी हो तो ट्रिगर दबाना पड़ता है, पर बीवी हर समय RDF, वेरी डेंजरस। ये कौन रो रहा है? रो नहीं रहा मिस्टर है, गाना गा रहा है। भाई है मेरा, अच्छा गाता है, लेकिन है बड़ा रिस्की। किस समय क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। रंग की ये मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना। हाय हाय हाय, हाउ डू यू डू, आप दरीफ? फाइन, बेटर देन यू। मुझे प्रोफेसर मार्टिन फू थान थान कहते हैं। जी क्या कहते हैं आपको? प्रोफेसर मार्टिन फू थान थान। नाम तो बड़ा लल्लन टॉप है आपका। ओह थैंक यू, आप मधुकर है ना? क्या नाम ले रहे हैं आप? मधु कुमार कहिए, मधु कुमार। मधु कुमार, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार नहीं मिस्टर है, सिर्फ मधु कुमार। मधु कुमार, मधु, ये यहाँ किसी तरह का रिसर्च कर रहे हैं, कैडी ने यहाँ बुलाया है, तुम इनकी हेल्प करो। यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हवलदार, हवलदार, हवलदार। यस बस, आप नीचे करो, सीधा करो। कल रात बगीचे में रात रानी के पेड़ के नीचे मैंने खुसुर खुसुर की आवाज सुनी, मैंने तुम्हारा पैरा लगाया था। हाँ मैंने पता लगाया। क्या पता लगाया? वो दी साहब और टामी पड़ोस के बंगले मिनी। हाँ। अब दोनों वहाँ, दोनों वहाँ, दोनों वहाँ क्या? अब क्या बताऊँ बॉस, दोनों का जम गया बॉस। और टॉन्सिल्स, क्या जम गया? दोनों के विचार मिल गए बॉस। वेरी डेंजरस। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है भाई साहब। क्या होता है? हवलदार। यस बॉस। चल करके देखना होगा, पड़ोस के बंगले के लोग इस तरीके के होंगे, ये शक मुझे पहले से ही था। Come on! Hey,
काट, बहुत कठिन है। अरे पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। खैर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, कुछ डेटा चाहिए क्या? फॉर एग्जाम्पल राजा हरिश्चंद्र, इस पहली पिक्चर से लेकर तेरा ऊन मेरा पानी पिक्चर तक सारी जानकारी है मेरे पास। डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, म्यूजिक, कास्टिंग, सारे डिटेल्स है मेरे पास। पर मैं पिक्चर पे रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। पिक्चर पे नहीं तो फिर किस पे? साइकोलॉजी पर। तो फिर मैं भला क्या कर सकता हूँ? अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो आप उसका जवाब देंगे? हाँ, कोशिश तो जरूर करूंगा। आप ये बताइए कि आपको पिक्चर 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 इसके अलावा भी किसी और चीज का शौक है? आई मीन किसी लड़की वड़की का? लड़की? अरे वैसा कुछ भी नहीं है मिस्टर। इस दुनिया में ना पिक्चर के सिवाय है ही का। अगर इस दुनिया से फिल्मों का अंत हो गया तो मैं कहीं दूर दूर चला जाऊंगा, जहाँ फिल्मों के सिवाय कोई धंधा नहीं होगा, न खाना न पीना। अरे नहीं साहब, थोड़ा थोड़ा पीना बहुत जरूरी है। आपको पीना अच्छा लगता है? केवल फिल्मी दुनिया के लोगों को पीना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे भी पीना अच्छा लगता है। कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपने देवदास देखी है? नहीं, मैंने उदास देखी है। अरे हाय हाय हाय, कमबख्त तूने तो पी नहीं। क्या एक्टिंग, क्या लोकेशन, क्या सीन, क्या 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 क्या, क्या? अरे क्या क्या नहीं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपने गाय दो गज जमीन के नीचे, हम आपके हैं कौन, खूनी दरिंदा। ये सब फिल्में तो जरूर देखी हूँ। नहीं देखी। अरे मैं क्या कहूँ, आपसे आप इस दुनिया में क्यों चले आए? अरे भैया, इस दुनिया में आना मेरे बस में था ही नहीं, इसीलिए मैं चला आया। मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं, उससे पहले आप मुझसे प्रश्न पूछ लेते। मुझे तो अब तक बस ना एक ही कुत्ता अच्छा लगा। कौन सा? वो आपने कुत्ता मेरा हाथी पिक्चर देखी है? नहीं नहीं, मैंने हाथी मेरा कुत्ता देखी थी। अरे तू कुत्ता, मेरा हाथी। पिक्चर में उस कुत्ते ने क्या काम किया है, क्या उसकी एक्टिंग, क्या उसका डांस, क्या उसके कान और क्या उसकी पूंछ। माधव, यू स्टॉप दैट। हे, मेरे कुत्ते से इतना जलन क्यों करता है? They are so loving, so loving. Love them and go to hell. उन कुत्तों पर कैसा प्रेम? तुम जरा जरा मेरी पिक्चर की हीरोइन को तो देखो। मेरी देखा? टिपू, आजा। टिपू। अरे 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 भाई, यहाँ कोई टिपू विपू नहीं है। मैं क्या पहरा दे रहा हूँ यहाँ के? तुम्हारा वो टिपू गया कि टीपी गई? चारों तरफ देखो, तुम्हारे वो कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं। इसमें ये कैसे पहचाना जाए कि वो टीपू कौन सा है? ये लो, इसमें क्या मुश्किल है? रुको रुको, मैं बताती हूँ। शुभ्र सफेद रंग पर काले चित कपड़े धब्बे, 21 नाखून, चमकती आंखें, अच्छा बेदार पूंछ। बस बस, ऐसे तो हजारों कुत्ते घूमते इन सातों गलियों में। ठीक है, चलने दो चलने दो, बड़ा आनंद आ रहा है। लगी हुई ब्रेड, ठीक है, चलता है चलता है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, सब चलता है क्योंकि अपना तो काम है खाना 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 और पीना। वैसे आपको कुछ अच्छे लगते हैं ना प्रोफेसर? नाम क्या है आपका? मेरा नाम बड़ा कठिन है लेकिन आपको बता देता हूँ, प्रोफेसर मार्टिन फू था था। प्रोफेसर मार्टिन फू था था। ना सर्टिफिकेट, वैसे हम आपको माजी कह सकते हैं? मेरी माँ ऐसी होती। अरे तेरी अम्मा ऐसी होती, तेरा नाम टीपू मोती या ब्राउनी रख देती। बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं? मुझे तो तुमसे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन वो भोगते और काट भी तो लेते हैं ना? नहीं, वो तो फंक्शन बातें करते हैं। बातें करते हैं? हाँ? क्या बातें करते हैं? मिस्टर प्रोफेसर, ये क्या रिसर्च हो रहा है? चलो सर। ऑलराइट मिस एना पूरे, अगर मैं आपसे कोई प्रश्न करूं तो आप उसका जवाब देंगी? पूछो। क्या पूछो? पर शादी के बारे में मत पूछना, ये बात तो मुझसे बहुत पहले पूछी है। बहुत पहले से मालूम है। अरे कोई नई बात बताइए। मैं आपको थोड़ी ना बता रहा हूँ, अपने आप को बता रहा हूँ। अरे तो आपने इलाज के बारे में क्या सोचा है? जब जवान लड़के या लड़कियां पागल हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब अगर ये मुझे ही पता होता तो मैं आपको क्यों बुलाता? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई, अपने आप से कह रहा हूँ। हम उनकी शादी कर देते। शादी? हाँ, देखिए जो आपकी वो है ना, जी हाँ, वो मनीषा। हाँ जी, उसे कुत्ते पालने का पागलपन है जी। और अगर उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कर दी जाए जिसके कुत्तों से सख्त नफरत हो तो क्या होगा? तो होगा क्या, वो उसको काट लेगी? शुरू शुरू में काटेगी, बाद में प्यार बांटेगी। देखिए मिस्टर एनापुरे, मेरे पास 3 लड़की और 1 लड़के का स्टाफ। पर आपका वो स्टाफ करेगा क्या? अरे वही स्टाफ तो आपके लड़के या लड़के से शादी करेगा। मैं अभी चाहता हूँ और उन्हें लेकर के आता हूँ मिस्टर एनापुरे। ठीक 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 फॉर मी। ठीक है ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने हम सबको यहाँ एकत्रित होने के लिए क्यों
कहा है। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ भैया कि हम सब लोग यहाँ क्यों कलेक्ट हुए हैं। मुझे तुम लोगों से ज्यादा बात करने की परमिशन नहीं है। मेरे बिना बुलाए आप लोग यहाँ एकत्रित नहीं होंगे, इसीलिए ये ऑपरेशन मेरे सुपुर्द किया गया। ये शक मुझे बहुत पहले से हो रहा था कि हम चारों के खिलाफ इस घर में कोई योजना तैयार की जा रही है जिसमें प्रोफेसर एम जाने से शक पक्का हो गया। यस यू आर राइट ब्रदर। मम्मी वो दाढ़ी वाला बुलडॉग क्यों आ गया? कौन? शायद ये स्वामी मार्टिनिश के बारे में बात कर रही है माते श्री। ओ ये मार्टी मेरे जिमी के बच्चे होंगे ना, तो उनमें से एक का नाम मैं मार्टी रखूंगी। अजय जी मैंने आपको नहीं कहा, आइए ना आइए। अरे वाह सब लोग जमा रहे हैं भाई, ये सब देख के मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। वैसे एक बार तुम लोग और इकट्ठा हो गए पर शायद मैं तुम लोगों को देख नहीं पाऊंगा। अरे प्लीज कम टू द पॉइंट। हाँ भाई आता हूँ आता हूँ। अरे जल्दी आ जाओ यार, वो पिक्चर का टाइम हो रहा ना। अरे बाबा आता हूँ थोड़ा मन तो बना लेने दो। मैंने शादी करने का निर्णय किया है। अरे बाबा तुम सब लोगों की। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, सुंदर अति सुंदर। अरे तुम्हारी नहीं, ये तो मुझे भी समझ में आता है मेरी हो गई। हाँ उसका ये परिणाम तो मुझे दिखाई दे रहा है। आज मुझे आपका निर्णय कोई उत्तेजनात्मक नहीं लगा। मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता। आई डोंट एग्री विद यू। अरे पापा मुझे भी कुछ बोलने दोगे कि नहीं? आपको कौन रोक सकता है तार? देखो मैं एक एक से बात करता हूँ, तुम लोगों को क्या परेशानी है। अगर ये मेरी समझ में आ जाए तो योग्य समय पर तुम लोगों की शादी कर दी जाए। पर वो योग्य समय आएगा कब डैडी? डैडी 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 मेरे जिमी को कुछ होने वाला है। अरे अब इसमें जिमी का क्या संबंध? आप तो समझ के बाहर है डैडी। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कैसे हो सकता है? आप कुछ अलग बताना चाहते होंगे तार। अरे मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ डैडी। अरे भाई मुझे भी कुछ बोलने दोगे कि नहीं? एक बार में एक ही आदमी मुझसे बात करे, मेरे को ही कहना है समझ में। ईश्वरीश तुम यहाँ आके बैठो। मुझे लगता है तुम्हारी शादी लायक उम्र हो गई है और अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पर तार मैं विवाह करके क्या करूंगा? विवाह के अतिरिक्त इस दुनिया में अन्य कार्य हैं, ध्यान साधना तप और फिर भगवान भजनीश क्या कहेंगे। अरे तो क्या तुमने भगवान भजनीश के लिए ही जन्म लिया है? अगर मुझे तेरे जन्म से पहले पता चलता ना तो मैं तेरा कुछ इंतजाम करता। अब ये तुम्हारी शर्माने की उम्र नहीं है। पर तार मैं विवाह करके क्या करूंगा? दूसरे लोग क्या करते हैं? तार भगवान भजनीश ने विवाह नहीं किया, माता उमा देवी ने विवाह किया, परंतु वैसे वे ब्रह्मचारिणी ही है। जिमी और जॉन को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अब बीच में जिमी और जॉन कहां से आ गए? तात मुझे पापी आत्माओं का उद्धार करना है। अरे वो सब शादी करके भी किया जा सकता है। पर तात आप मुझे इस माया मोह के बंधन में क्यों बांधना चाहते हैं? देखो विवाह से साधना की ओर। अरे भगवान का ये ग्रंथ मैंने भी पढ़ा है और मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम भगवान की तरह ही आचरण करो। अब तो आपने मुझे निरुत्तर कर दिया है तार, आपकी आज्ञा से राखों पर। अच्छा तात श्री माते श्री आज्ञा चाहूंगा। खड़े हो जाओ। पर मुझे ये स्वीकार नहीं, जेम्स बॉन्ड कभी शादी नहीं करते। एक बार की थी तो पत्नी का खून हो गया। देखो जवाहर। अरे बाबा जेम्स क्षमा करो, अगर एक बार खून हो गया तो क्या किस्सा ही खत्म? और अगर खून नहीं हुआ तो तुम्हारे काम में मदद करने वाला कोई तो होगा ना, खास इस घर का। मैं जो काम करता हूँ जिसका की मुझे शौक है, ये काम उसे भी तो पसंद आना चाहिए। पर एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे के विचार जानने में क्या हर्ज है? You are right. I am always right. Okay, daddy. एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जरा सावधानी से डैड, क्योंकि मामला बड़ा रिस्की है। डैडी अब अगर मेरी बारी है तो मैं ये क्लियर बता देता हूँ कि भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी। वो फिल्म लाइन में कोई जल्दी शादी नहीं करता। राजेश खन्ना ने तो 42 वर्ष की उम्र में शादी की, वो दलीप कुमार ने तो 40 वर्ष की उम्र में शादी की, और सुनील भट्टा ने सुना ये सब। अरे इंडस्ट्री में शादी बर्बादी होती है डैडी। और फिर मैं तो भला अभी 19-20 बरस का लड़का हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? प्रेम तो कर सकते हो ना। प्रेम? डैडी डैडी ठीक है करूंगा करूंगा।
हाँ तुम्हारा क्या विचार है? डैडी, डैडी, I don't want to marry. मेरे 21 कुत्तों को जो पालने के लिए तैयार होगा मैं उसी से शादी करूंगी. डैडी मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती. डैडी आई कांट. मम्मी 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 अब सारा दिन नहीं है. 19 से 6 प्रेग्नेंट है. अरे तो इसमें किसी भले आदमी क्या दोष? तुम ये कर मत लो. देखो बेटा अगर कोई ऐसा जेंटलमैन मिल जाए तब तो तुम उससे शादी कर लोगी ना. थैंक गॉड. अरे तुम सब इतनी आसानी से मान जाओगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. इधर देखो वो अभी प्रोफेसर मार्टिन को ठाट ठाट यहाँ पर आएगा. उसके साथ 3 लड़कियां और 1 लड़का होगा. हम उससे तुम लोगों की मुलाकात करा देंगे. एक दूसरे के विचार जानने की कोशिश करो है ना. और अगर तुम लोगों के विचार एक दूसरे से मेल खा गए तो मुझे बताना. मैं तुम लोगों की शादी कर दूंगा. ठीक ठीक. आइए 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 मैं आप ही का इंतजार कर रहा था. हेलो आइए आइए. मिस्टर एला पूरे ये मेरा स्टाफ. अच्छा अच्छा ये आपका स्टाफ. अब हम इन जोरों का परिचय करवा देते हैं. जी जी. इसी तरह आपको हमारा प्लान कैसा लगा? आप अपना प्लान अपने पास रखें. मैं देख लेता. अरे सुनो तो. हाँ तो ईश्वर हम आपकी मुलाकात कराते हैं मिस जूली से. जूली यह ईश्वर. हाँ तो जाई. ओह सॉरी जाई आपकी मुलाकात कराते हैं जवाहर से जेम्स बॉन्ड. आपके चरणों में जाई का प्रणाम. हाँ तो मधुवंती. ये है मधु कुमार. आज मिलकर बड़ी खुशी हुई. नमस्कार. 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 तो मनीषा ये है तिमिर. हाय. हाय. यहाँ कुत्ते हैं क्या? आपको अच्छे लगते हैं क्या? नहीं मुझे उनकी बदबू आ रही है. जी जी. नो 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 ये बात मुझे चुप देती रही. ठीक है देवी परंतु सुन तो ले. अरे यार कई बार सुन चुकी हो. कई बार ऐसे हम कितनी बार मिले हैं देवी. ध्यान का आध्यात्म का भगवान भजनीश का इस जीवन में कितना महत्व है कई बार समझा चुका हूँ. ये सब सुन के मैं बहुत बोर हो जाती हूँ. चलो गुरु कोई पिक्चर देखते हैं या फिर कोई कैबरे. ये कैबरे क्या होता है देवी? तुम्हें नहीं मालूम? कैबरे नहीं मालूम? मैं बताती हूँ. कैमरे में एक लड़की होती है डांसर. जब डांस करते करते अपने बदन से कपड़े उतार कर फेंक दी जाती है. अपने बदन से कपड़े उतार कर फेंकती है? हाँ यानी कपड़ों के बदन से. खुद के बदन से कपड़े उतार कर फेंकती है? हे भगवान ये मैं क्या सुन रहा हूँ. अरे यार सबको दिखाने के लिए तो फेंकती है. अच्छी शी शी शी. राधे श्याम राधे श्याम. अभी तो ठीक है. कठिन है देवी हमारे विचार आपस में बिल्कुल नहीं मिलते. ऐसा क्यों बोलते हो गुरु? एक बात कहूं गंगा तुम गुरु मुझे बहुत अच्छे लगे. देवी 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 आप कृपया दूर बैठे तो ज्यादा उचित रहेगा. क्या ये सब अच्छा तो बहुत लगता है देवी परंतु ये सब ठीक नहीं है. ध्यान में आध्यात्म में सर्वोच्च आनंद मिलता है देवी. क्या गुरु तुम्हें मिला आनंद? अभी तक तो नहीं मिला देवी परंतु उसी ओर अपने कदम बढ़ा रहा हूँ. मुझे तो ना होटलिंग डांसिंग ड्रिंक्स शॉपिंग इन्हीं सब में आनंद मिलता है. इन सब मोह माया से बाहर आओ देवी. भगवान भजनीश कहते हैं बड़े स्मार्ट होंगे तुम्हारा भगवान. हाँ बड़ा ही तेज है उनके चेहरे पर. और माता उमा देवी भी. क्या वो भी बहुत सुंदर है? सुंदर
अति सुंदर। तब तो मुझे भी जाना पड़ेगा भगवान में जिस चार चंद्र में। सच सच में चलेगी देवी आप? हाँ, अब तो मुझे वो सब करना पड़ेगा। तुम्हारा वो तप, वो ध्यान, वो तपस्या, वो पूजा, वो अर्चना वगैरह वगैरह। लेकिन तुम उस रानी माया का पीछा छोड़ दो। ऐसी बहुत सी जगह तुम्हें देखी है मैंने। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। आइए जाई देवी। ओहो, तो आप यहाँ है? बाहर मधु कुमार और मधुबंती भी है। वे दोनों बाहर क्या कर रहे हैं देवी? मधु कुमार जी बगीचे में गाना गा रहे हैं। बगीचे में गाना गा रहे हैं? कौन सा गाना गा रहे हैं वे? पता नहीं, मधु कुमार जी बहुत जोर जोर से गा रहे हैं। तेरा दिल मेरा दिल एक दिल ऐसे ही कुछ गा रहे हैं। बाहर वो प्रेम कर रहे हैं, यहाँ आपका प्रेम चल रहा है। कितना मंगल और पवित्र है ये प्रेम। बिना देखे अंदर आ गई। और नहीं तो क्या, मुझे तो सब अति मंगल और पवित्र लग रहा है। सब बड़ा मंगल और पवित्र है। जान जाने की नौबत आएगी तब पता चलेगा। इस प्रेममय वातावरण में आप जान लेने और देने की बात क्यों कर रहे हैं जवाहरी? आजकल कदम कदम पे धोखा है, किसी क्षण भी कुछ हो सकता है। मैं तो बोर हो गई हूँ तुम्हारी सावधानियों से। देखा ना, बैठ गई ना सोफे पे थम से, ना देखा ना समझा। ये टाइम बॉम्ब, ये किसी समय भी फट सकता है। जूली देवी आइए, हम लोग ऊपर कक्ष में बैठकर वार्ता करते हैं। बाहर बगीचे में तो एकांत मिलेगा नहीं। आइए आइए। मैं तो कहीं भी चलने का तैयार हूँ। जूली, कितनी बेफिक्र, मन में कोई विचार नहीं, कोई प्लान नहीं, कहीं भी चलने को तैयार। तुमने डॉक्टर नो देखा है? नहीं, मैंने डॉक्टर एस सी राय देखा है।